डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.4 तक के क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को किए थे। जैसे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + tan² a बट्टा में 1 + cot² a। देख लो भाई, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 + tan² a बट्टा 1 + cot² a, ये बोल रहा है कि किसके बराबर है। तो देखो, हम आपको फार्मूला बताए थे कि देख लो, sec² θ का फार्मूला होता है 1 + tan² θ, होता है ना। और एक आपको बताए हुए होंगे कि cosec² θ बराबर होता है 1 + cot² θ। ये किससे फार्मूला आता है, तो ये फार्मूला बनता है sec² θ माइनस tan² θ बराबर 1। एक फार्मूला होता है, इसी से हम लोग निकाले हुए थे फार्मूला, sec² θ बराबर ये माइनस tan² θ है, उधर जाएगा तो +tan²θ। ये किससे फार्मूला निकला है, तो इसके लिए हम लोगों को मेन फार्मूला बताए थे, cosec² θ माइनस cot² θ का वैल्यू होता है 1। अब इसी फार्मूला से हम लोग जो निकाले थे कि माइनस cot² θ है, उधर जाएगा तो +cot² θ होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, दोस्त यहाँ पे पहले से ही 1 + tan² a है, तो 1 + tan² θ रहेगा, तब यहाँ से sec² θ लिखते हैं, तो 1 + यानी कि उल्टा लिख रहे हैं, इधर से इधर नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो आप sec² θ बराबर लिखिए या फिर इतना बराबर इतना लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 + tan² a है। अगर 1 + tan² θ होता तो यहाँ sec² θ लिखते हैं, यहाँ पे 1 + tan² a है तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे sec² a बट्टा, यहाँ पे क्या है दोस्त, 1 + cot² a। तो 1 + cot² θ होता तो cosec² θ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1 + cot² a, तो cot स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं cosec² a, ठीक है। अब देख लो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, sec² a का मतलब कौन सी, sec a का पूरा का होल स्क्वायर, इसका मतलब तो यही ना होता है। और cosec² a का मतलब क्या, कि cosec a का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब, अगर मान लिया कि a का स्क्वायर रहेगा और नीचे में b का स्क्वायर रहेगा, तो दोस्तों a बट्टा b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि अगर इधर भी अलग अलग स्क्वायर भागा में है, तो पूरा का एक साथ पहले भागा कर देंगे और पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं। a के पावर 4 और b के पावर 4 रहेगा, यानी कि बेस अलग अलग रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भागा दे लेते हैं और फिर ऊपर में डायरेक्ट 4 रख सकते हैं, ठीक है। यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रहेगा, तो ए बटा बी लिख देंगे और पावर में 4, 2। अगर 4, 4 रहेगा पावर में, तो पहले डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे 4 कर, उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं ना भाई, सेक ए बटा कॉसेक ए का पूरा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। एक और फार्मूला आपको बताए होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1 / cos θ, याद है, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा को गुना करते हैं, चाहे कॉस थीटा सेक थीटा को गुना करते हैं तो एक आता है, तो उसी से हम लोग सेक थीटा के जगह पे 1 / cos θ लिख सकते हैं। और एक और बात कि कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 / दोस्तों साइन थीटा। देख लो, आपको हम ये सभी फार्मूला बताए हुए हैं दोस्तों, लेकिन बार बार हम क्यों फार्मूला बताते हैं, ताकि आपको बिल्कुल इजी वे में समझ आए, इजी लगे और आपको फार्मूला पता चले। तो इस सेक ए है,
तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख दिए सेक ए की जगह पे 1 बाई कॉस ए। देखो आपको हार्ड लगेगा भाई, नो डाउट, हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं आपको हार्ड लगेगा क्योंकि पहली बार, आप इनको प्रैक्टिस करो, फार्मूला बिल्कुल याद कर लो, फार्मूला का एक अलग 2-4 पेज का कॉपी बना लो और कहीं पे जहाँ पे स्टडी आप करते हो वहाँ पे चिपका लो, वहाँ पे आपको जब भी नज़र पड़ेगा चीज़ें याद होंगी, या फिर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, वो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि सेक स्क्वायर है, यहाँ से सेक स्क्वायर कैसे आया, कोसेक स्क्वायर कैसे आया, फिर दोनों का स्क्वायर किए, सेक का फार्मूला लगा दिए 1 बाई कोस, और भी स्क्वायर नहीं करेंगे, और यहाँ कोसेक ए है तो यहाँ कर दिया 1 बाई साइन ए, ठीक है, फार्मूला से कोसेक थीटा था 1 बाई साइन थीटा, और पूरा का क्या है स्क्वायर। अब देख लो भाई, हम क्या जानते हैं कि ऊपर ऊपर के नीचे वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ये साइन उ को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए, होगा ना, साइन ए वाला ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए नीचे आएगा और पूरा का स्क्वायर। एक और फार्मूला आप देख लो भाई कि साइन में अगर कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेन थीटा ना, तो इस तरीके से साइन बटा कोस के जगह पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, टेन ए, क्योंकि सब ए में है, इसका स्क्वायर। अब टेन ए का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग टेन स्क्वायर ए भी तो बोल सकते हैं ना, टेन स्क्वायर ए बोल सकते हैं, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला सेक स्क्वायर है -1 को, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए होगा, यहाँ फटा हुआ है पेज थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेन स्क्वायर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा था ये, चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है कोण है। देखिए बोल रहा है कि पांचवा में टोटल आप देख पा रहे होंगे 10 क्वेश्चन है दोस्तों, कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और इस सारे 10 क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि LHS जो है RHS के बराबर है, ये हम लोगों को सबको सिद्ध करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा के पहला, ठीक है, हम लोगों को क्या बोल रहा है कि LHS से चलिए और RHS लाइए, या RHS से चलिए LHS लाइए, यानी कि हमको कुछ नहीं करना, LHS LHS किसको कहते हैं, तो बराबर के बायां भाग वाला को LHS कहते हैं, बराबर के दायां ओर को भाग को बोलते हैं RHS, तो हमको यहाँ पे दिखा देना है कि LHS जो है RHS के बराबर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो पहला क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से, बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो आप किस हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि LHS बराबर क्या है, RHS, या RHS बराबर LHS, आप किधर से भी चल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको यही प्रूफ करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए फिलहाल हम दोस्तों LHS से चलते हैं, ठीक है, LHS में क्या है आप देख पा रहे होंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देख लो आपको पहले समझना होगा कि हम कौन कौन से फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग से यूज करना पड़ता है, हालांकि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना वो चीज़ें ईजी हो जाएगी। आपको बताए थे कि कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, फार्मूला पता है, तो इस कॉसेक थीटा के जगह पे 1 बटा साइन थीटा रख दिया माइनस, इस कॉट थीटा का फार्मूला कौन सा लगाएंगे जो इजी वे में बनेगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये
जानकर प्रॉब्लम होगा कि सर कॉट थीटा का तो बहुत सारा फार्मूला है, कॉट थीटा का तो ये भी होता है 1/10 थीटा, लेकिन हम इसको क्यों लगाएंगे यही वाला कॉस बाई साइन, क्योंकि पहला वाला साइन में है, इसलिए हम लोग ये यही फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका तो एक और फार्मूला होता है, लेकिन कौन सा लगाना है वो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि नीचे इसको चेंज किए साइन में, तो इसको ये वाला फार्मूला लगाएंगे तब ना साइन में होगा का पूरा का क्या होल स्क्वायर। अब देख लो साइन थीटा, साइन थीटा का एलसीएम क्या होता है, साइन थीटा होता है ये एक बार में कटेगा माइनस कॉस थीटा होगा का होल स्क्वायर, मतलब एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे क्या बन रहा भाई, तो ऊपर ऊपर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिए। पिछले भी अभी तुरंत देखे ना कि अगर अलग अलग था तो हम लोग उसको एक बार डिवाइड में करके और स्क्वायर किए, यहाँ पे पहले से ही एक बार है, पहले से ही एक बार है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, ऊपर वाला का स्क्वायर अलग, नीचे वाला का स्क्वायर अलग, ठीक है। तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो बार। और नीचे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का कौन सा फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लगा देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है भाई कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे रख दिया कोस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दो बार, और यहाँ पे 1 का कर दिया स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, माइनस कोस स्क्वायर थीटा था कोस स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला याद है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर ना, कोस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी नीचे वाला को तोड़ेंगे तो एगो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और एक ठो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग आगे कर सकते हैं कुछ ऐसे। ऊपर में हम लोगों को क्या बच रहा था भाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा दो बार, 1 माइनस कॉस थीटा दो बार, और बट्टा नीचे वालों को तोड़ेंगे तो एगो होगा 1 प्लस कॉस थीटा और एगो होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पे, तो एक ठो माइनस माइनस वाला कैंसिल होगा, तो बच क्या रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों यही हो गया हम लोगों को RHS, इस तरीके से बोल देंगे कि हम लोगों को प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध किए हैं, प्रूफ किए हैं, देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ किए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, LHS में क्या है, तो cos a बटा में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा में cos a बराबर 2 sec a। तो जिस तरीके से हम प्रूफ किए हैं यहाँ पे, आपको हम हिंट्स के तौर पे बता रहे हैं कि पांचवा में जो 10 क्वेश्चन है, तो पांचवा का दूसरा क्वेश्चन में आप क्या क्या कीजिएगा, तो LHS में जो 1 प्लस साइन a है और कोस ए है, इसको आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये 2 sec a आ जाएगा। तो दोस्तों आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को आपको ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करना है आपको, ऐसा नहीं है आपको गलती हो सकता है और गलती ही होगा, क्योंकि
कि आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा फार्मूला अपनाएंगे क्या करेंगे, लेकिन इसमें आपको हिंट्स दे रहे हैं। LHS में 1+sin A को cos A के साथ LCM लेकर और ट्राई कीजिएगा बनाने का हमको कैसे भी करके फार्मूला, इतनी सारी फार्मूला बताए ना, सब फार्मूला का यूज करके ये कैसे भी करके फार्मूला का यूज करते हुए ला देना है, ठीक है। तो आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, गलत हो या सही, अगर गलत होगा या फिर कितना हद तक आप सोच पा रहे हैं फिर हम आपको बताएंगे, और बाकी का आगे का जो प्रूफ करना है उसको हम नेक्स्ट डे सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।